रिक्वायरमेंट क्या है आज के क्लास की कि आपको बेसिक सर्कल का पता है। लेक्चर वन एक बहुत लंबा बड़ा सा लेक्चर है बिकॉज वो रिकॉर्डेड है, मैंने खुद से रिकॉर्ड किया हुआ है। उसमें ऑब्वियसली मैं समय नहीं देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ फिर बोलता हूँ कि वीडियो आप रोक के आप अपना देख लीजिए, तो फिर वो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है, तो करीब दो लेक्चर मान के चलोगे उसको, ठीक है, क्योंकि उसको अगर करने जाओगे तो वो एक तरह से दो लेक्चर जैसा फील होगा। और अब मैं शेयर करने जा रहा हूँ स्क्रीन, और ठीक है तो बेसिक सर्कल का हमने देखा था, और सर्कल का इक्वेशन हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं। मोस्टली सर्कल में दो तरीका आप समझोगे, सबसे पहले तरीका कि आपको सेंटर पता हो और रेडियस पता हो, पर ध्यान रखना कि सेंटर मतलब कि दो वेरिएबल है एच और के, तो कुल मिला के हमारे पास जो है तीन अननोन है एच के और आर, तो आपको तीन इक्वेशन चाहिए होगा लाइन स्ट्रेट लाइन में, क्या दो इक्वेशन अगर बना लेते हो तो उसमें दो ही वेरिएबल होते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कर सकते हो तो m और c, बट सर्कल में तीन वेरिएबल होंगे, ठीक। उसमें एक चीज ध्यान रखना कि पॉइंट सर्कल एक अलग से बात है, पॉइंट सर्कल मतलब जैसे पॉइंट रखा और दैट्स इट रियली, ठीक है, तो ये एक्चुअली सर्कल है नहीं, लेकिन चूंकि इसका इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम आगे करेंगे इसलिए भी जानना जरूरी है, ठीक है। पॉइंट सर्कल का सिंपली ये मतलब है कि अगर ऐसे लिखा हुआ है x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस y माइनस फोर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, रेडियस जीरो, इसका मतलब वो पॉइंट है 2, 4, ठीक। फिर हम लोग छोटे छोटे दो चार क्वेश्चन देख रहे थे, ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन में एक ही मुद्दा है कि क्या आप सेंटर निकाल सकते हो और क्या आप रेडियस निकाल सकते हो, अगर सेंटर और रेडियस अलग अलग निकल सकता है तो उस सर्कल के बारे में आप सब कुछ जान चुके हैं, ठीक। अच्छा, मैं एक कमेंट बीच बीच में देखता रहूंगा कि क्या लिख रहे हो, ठीक है, इट्स ऑल गुड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और क्या बातें हैं, फिर उसके बहुत सारे स्पेशल केसेस हैं कि सर्कल कभी x एक्सिस को टच कर रहा है, कभी y एक्सिस को टच कर रहा है, कभी दोनों को टच कर रहा है, ठीक है, यही बस ध्यान रखना है। इसमें जैसे क्या होता है, जल्दी जल्दी में कुछ गलतियां हो जाती हैं सर्कल में, सर्कल लगता बहुत आसान है लेकिन खूब सिली मिस्टेक होता है अगर आप क्वेश्चन, इसमें क्या है बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि टच कर रहा है तो आप उसको विजुअली समझ लो, एक छोटा सा डायग्राम बना के जरूर देख लो, अच्छा ये टच कर रहा है तो इसका मतलब इसका रेडियस के है, एच नहीं के है, तो कब के होगा, कब एच होगा, कब क्या होगा, एक छोटा सा डायग्राम बना के जरूर वैलिडेट कर लो, जब तक कि बहुत तगड़ी प्रैक्टिस ना हो जाए कि अपने आप दिमाग में आने लगे अच्छा एक्स एक्सिस को टच किया तो रेडियस के होगा या एच, तब तक आपको ये सब करके देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग और कौन सा देखे थे, फिर अलग अलग इसके केसेस थे, फिर इंटरसेप्ट वाले, फिर क्वेश्चन होंगे कई सारे, इंटरसेप्ट कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितने तरीके से सर्कल बनेगा, एक कई बार वैसे क्या लोग टेंडेंसी होती है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला सर्कल बना लिया बाकी छोड़ दिया, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना होगा कि उस कंडीशन पे कितने सर्कल बन रहे हैं, एक बन रहा है, दो बन रहा है, तीन या चार, ठीक। तो ये पहला तरीका जो बनाए थे एच के आर वाला, दूसरा तरीका है ये जनरल इक्वेशन, ये भी कई बार काम आता है, इसमें पहले जो तो एक चीज समझ जाओ कि ये नहीं बचेगा, एक्स वाई का कोई कंपोनेंट नहीं होना चाहिए और ए और बी बराबर होना चाहिए, जब ए और बी बराबर रहेगा तो उसको उस वेरिएबल से डिवाइड करते वो कुछ ऐसा हो जाएगा, तो जब भी आपको 2 डिग्री का इक्वेशन ऐसे लिखना होगा और बोला जाए सर्कल है तो आप सीधे ये लिखोगे, ठीक है, मतलब ये जो ए और बी जब इक्वल है तो इसका कोएफिशिएंट 1 कर दोगे, ठीक है, इसकी एकदम आदत डाल लेनी है, ठीक है। अच्छा जी, बीच में फिर से देखते रहे, किसी भी समय पर कोई कमेंट होगा तो मैं रुक जाऊंगा, ठीक। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पिछली क्लास में देखे हैं, ये रेडियस होता है, रेडियस का स्क्वायर है, आपको ये चीज जो है डेराइव करने का मन होगा तो कर लेना, लेकिन टारगेट के जो बच्चे हैं
उनको कुछ भी डेरिवेशन में दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, एकदम टोटल वेस्ट ऑफ टाइम होगा, ठीक है। रेडियस ये ध्यान रखना है, रेडियस अगर ये अंडर रूट के अंदर जो दिख रहा है अगर वो पॉजिटिव है तो सर्कल रियल है, और अगर लेस देन जीरो है तो इसका मतलब सर्कल कहने को भले सर्कल है लेकिन वो सर्कल एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको ड्रॉ नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। और धीरे धीरे इसके आप डाली लोगे कि माइनस जी माइनस एफ इसका सेंटर होगा और रेडियस अंडर रूट, ठीक है, ये एकदम फुल प्रैक्टिस होना चाहिए। मेनली मैं मान के चल रहा हूँ कि डीपीपी वन हो चुका है, ये इंटरसेप्ट वाला चीज याद रखना है, ठीक, पिछले क्लास में देखे होंगे, ठीक है, दोनों याद रखना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट, ठीक है। और अगर कोई सर्कल ऐसा दिख रहा है जैसे मैं ऐसे दिखा दूं, ऐसा कुछ सर्कल है, ठीक है, तो इसमें जो है वाई एक्सिस पे जो कट रहा है तो ये वाली वैल्यू मिलेगी आपको, मतलब ये वैल्यू कुछ पॉजिटिव मिलेगी एफ स्क्वायर माइनस सी, लेकिन अगर एक्स एक्सिस को नहीं कट रहा है जी स्क्वायर माइनस सी जो है लेस देन जीरो होगा, ठीक है, मतलब ये इंटरसेप्ट बना ही नहीं, इमेजिनरी जैसा हो जा रहा है, ठीक। कुछ क्वेश्चन है इस पे जरूर देख लेना। और फिर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि डायमीटर के दो कोने दिए हों, ठीक है, कोई भी, जैसे मान लेते हैं कि एक और ऐसे लाइन खींच दो सेंटर से होता हुआ, और मान लेते हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, मान लेते हैं ये पॉइंट है x3 कॉमा y3, और यहाँ पे जो दूसरी साइड पे कट किया अगर x4 कॉमा y4 है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, बस वन और टू की जगह ये थ्री और ये फोर कर दोगे, ये थ्री और ये फोर कर दोगे, आपका ये सर्कल का जो है इक्वेशन बन जाए, ठीक है। तो बस डायमीटर के दो कोने दिए हो तो आप निकाल सकते हो, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। जैसे भले हो सकता है डीपीपी वन में कम क्वेश्चन दिया हो, बट जैसे हम लोग पूरा सर्कल जब देखेंगे तो हर चीज का कहीं ना कहीं यूज है जरूर, ठीक है। तो कोई भी चीज अपनी तरफ से नहीं सोचोगे कि इम्पोर्टेंट है या नहीं इम्पोर्टेंट, अगर वो बेकार है इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको मैं पूरी क्लास में नहीं कराऊंगा, ठीक है। और अगर मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर चीज मेन में नहीं आएगा, थोड़ा एडवांस्ड ओरिएंटेड है, तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है कि जेई मेन में आएंगे, लेकिन एक बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बस ये सोचोगे कि ये क्वेश्चन को कैसे मैं सर्कल इसमें घुसेड़ दूं, कुछ ना कुछ करके सर्कल का कॉन्सेप्ट इसमें लेके आना, ठीक है। ये लैम्डा और ये म्यू मान लो, ठीक है, एल लिखा हुआ है, इसको म्यू मान लो, दो लाइन है, और ये समझ जाना कि बहुत मेहनत नहीं है, ये थोड़ा सा समझदारी से करोगे तो ही हो पाएगा, ठीक है ये। और इसके बाद हम लोग नया एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट ही करते हैं लेवल टू के क्वेश्चन से। आई नो कुछ लोगों को बुरा लगेगा, कह रहे आते मैं एकदम से खतरनाक क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है, खतरनाक नहीं, सोचोगे तो हो जाएगा आसानी से। कुछ उम्मीद है, थोड़ा थोड़ा हिंट देंगे, ठीक है। फैमिली ऑफ लाइन सबको पता है, फैमिली ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। चलो पहली चीज बताते हैं, कुछ बता के फिर थोड़ी देर एक मिनट और का समय दूंगा। फैमिली ऑफ लाइंस अगर समझोगे तो फैमिली ऑफ लाइंस इक्वेशन कैसे होता है, लाइन वन का इक्वेशन प्लस कोई लैम्डा इनटू लाइन टू का इक्वेशन, अब वो अलग अलग लैम्डा पर अलग अलग लाइन बनेगा, लेकिन सारी लाइन जो है किसी एक पॉइंट से हो जाएगी। तो क्या इतना निकाल सकते हो कि
अगर मैं बोलूं कि पॉइंट पी से ये सारी लाइन जो है किसी भी लेमडा की वैल्यू पर, वो पॉइंट पी से तो होके जाएगा ही जाएगा। वो पॉइंट पी निकाल सकते हैं लाइन वन और लाइन टू को सॉल्व करके। और मैं ये कह देता हूं कि ये भी जो दूसरी लाइन है ये पॉइंट क्यू से होके जाएगा। तो सबसे पहले पी और क्यू निकाल दिया जाए। पी और क्यू निकाल के जल्दी से कमेंट में लिखोगे और फिर मैं कुछ इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसके बाद। इसको अगर समझ लोगे तो बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अलग हट के क्वेश्चन है, इसीलिए मुझे लगता है कि कभी ना कभी जरूर ये जेईई एडवांस में आएगा। ठीक, तो पॉइंट पी मैं तब तक सॉल्व करता हूं, तब तक आप लोग भी कमेंट में लिखना। ठीक है, पहला सॉल्व करते हैं। पहला तो दिख रहा है जीरो जीरो है, ठीक है, ये तो देखते होमोजीनियस, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको दिख रहा है एक्स के वैल्यू टू दिख रही है और वाई जीरो दिख रहा है। मिल गया, कुछ रेस्पॉन्ड नहीं करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। चैट पे वो लिख सकते हो या बोल भी सकते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा लोग नहीं हो तो बोलोगे तो भी बहुत ऐसा खास डिस्टर्बेंस नहीं होगा मुझे। कुछ हो मार्केट में कि बस लॉगिन करके चल दिए? हाँ सर। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, ऐसा समझो कि पहला जो लाइन है या पहला जो फैमिली ऑफ लाइंस है और दूसरा जो फैमिली ऑफ लाइन है, वो पहला तो किसी भी हालत में सारी लाइन जीरो जीरो से होके जा रही है और दूसरा टू जीरो से। उसी में से कोई एक ऐसी लाइन होगी जो 90 डिग्री का, ध्यान से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कोई एक ऐसी लाइन है जो 90 डिग्री पर कट कर रहा है और उसी का लोकस मुझे बताना है, ठीक है, एच कॉमा के। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि सर्कल से, मैं बोला था कि सर्कल से जोड़ेंगे। कोई भी सर्कल अगर होता है तो उसकी खास बात क्या होती है, 90 डिग्री दो कोई फिक्स्ड पॉइंट है, 0.0, 2.0 और कोई एक पॉइंट पी एच के अगर है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि ये 90 डिग्री पे है, फिर पी यहां पर चला है तो भी 90 डिग्री पे ही होगा। ये तो सर्कल की ही तो प्रॉपर्टी है कि उस सर्कल कोई भी पॉइंट होगा और वो दोनों पॉइंट अगर 90 डिग्री बना, इसका मतलब तो अरे ये तो फिर डायमीटर के दो क्या है, डायमीटर के दोनों कोने हैं। तो मेरा सीधे क्या हो जा रहा है, ये लोकस कि ये क्या हो जा रहा है, स्लोप निकाल के कर सकते हो, ठीक है, या सीधे सीधे मैं बोल सकता हूं जैसे लोकस क्या हुआ, एक्स माइनस जीरो जो डायमीटर वाला है, एक्स माइनस जीरो एक्स माइनस टू प्लस वाई माइनस जीरो y माइनस, ठीक हो गया, यही है सर। तो मैंने क्या किया, डायमीटर के दोनों कोनों कर कोने कर दिए, ठीक है। ये स्मार्ट तरीका है। और घटिया तरीका ये है कि आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, एच की वैल्यू आएगी लेमडा और कोई फंक्शन होगी मान लेते हैं लेमडा और म्यू में, के की वैल्यू भी एक फंक्शन मान लेते हैं जी एक्स मान लेते हैं लेमडा म्यू में आएगी, लैम्डा म्यू को एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। और फिर क्या करोगे, स्लोप 90 डिग्री है तो एम वन एम टू माइनस वन करोगे, लैम्डा म्यू एलिमिनेट करते करते बहुत लेंथी हो जाएगा, ऑल दो हो जाता है, ठीक है। मैंने कुछ बच्चों को कराया था ऑफलाइन में पिछले साल, तो आ जाता है इसके लैम्डा म्यू एलिमिनेट करके भी आ जाएगा, बट ये ज्यादा स्मार्ट तरीका, ठीक। देखें, 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 देखें,
रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। ठीक है ये अब हम लोग नया कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। ठीक है तो किसी भी समय पे कुछ भी अगर रिपीट करना है रोक दोगे मुझे। ठीक है हम लोग आते हैं एक नया टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनेंगे, ये आसान ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पैरामेट्रिक फॉर्म, जैसे कोई अगर सर्कल दिया हुआ है और सर्कल वो खास सर्कल है जो सेंटर ओरिजिन है, तो हम लोग क्या करेंगे, रेडियस अगर आर है कोई पॉइंट बी, एक मिनट में छात्र यहां पर डोर क्लोज करा देता हूं, थोड़ा नॉइस ज्यादा आ रहा है। ठीक है तो हम लोग पैरामीटर फॉर्म कर यूज क्यों करते हैं। ठीक है तो इसमें दो दो कारण से यूज करते हैं। कई लोगों को स्पेशली लोकस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें साइन थीटा कॉस थीटा को एलिमिनेट करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज चलता है, अच्छा साइन थीटा मिल जाए कॉस थीटा मिल जाए दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे वन हो जाएगा और साइन जो थीटा है वेरिएबल खत्म हो जाएगा, तो वो एक कारण है यूजुअली। तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लो टू सर्कल का इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ इतना ही लिख दिया गया है तो आपको एक तरह से बता दिया गया है ये एक्स और वाई जो है आपस में रिलेटेड है और वो सर्कल है। ठीक थीटा की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो जीरो से टू पाई, जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई पॉइंट यहां पर है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी ये 180 से 270 के बीच वाला एंगल है। ठीक है तो थीटा पूरा एक चक्कर होगा। ठीक है थीटा की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी, थीटा की वैल्यू जीरो से टू पाई के बीच में ही रहेगी, उससे ज्यादा या कम नहीं होगी पैरामेट्रिक। ठीक है दूसरा चीज ध्यान रखना है कि अगर तुम आपका सर्कल जो है सेंटर ओरिजिन होने की जगह अगर एच के है तो आप इसको शिफ्ट कर दोगे। बेसिकली कहने का मतलब है कि x माइनस एच को आप r cos थीटा लिखोगे और y माइनस के को r sin थीटा लिखोगे। ठीक ऐसे थोड़ा सा इसको ट्विस्ट लाते हैं, अगर मैं h x माइनस एच को r sin थीटा लिख दो और उसको r cos थीटा लिख दो तो भी कई बार मैनेज हो जाएगा चीज, लेकिन ऐसा करना मत। ठीक है x वाले को cos रखना और y को sin रखना, क्योंकि उस थीटा का भी एक मतलब है। जैसे मान लेते हैं कहीं सर्कल है वो थीटा ये भी बताता है कि ये जो पॉइंट है ये थीटा है, एक्स एक्सिस से क्या थीटा बना रहा है। ठीक है तो एक्स वाले को कॉस थीटा इस वाइज। ठीक है एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। पहले देखते हैं कि जूम से मैं करता नहीं हूं क्योंकि इसमें मुझे नेक्स्ट स्क्रीन का पता नहीं चलता है। ठीक है बाय द वे 40 मिनट बाद अगर ये ब्रेक होता है तो 2-4 मिनट के अंदर फिर से ज्वाइन करेंगे हम लोग। ठीक है मुझे भी ब्रेक मिल जाएगा एक तरह से, इसलिए यहाँ पर बिना पंखे का पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अच्छा मैं क्या देखना था एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है चलिए लेते हैं। अच्छा मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लेते हैं कई बार सर्कल का इक्वेशन जनरल लिखा रहता है, जनरल लिखा है तो आपको चाहिए क्या पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखने के लिए एच के और आर के। ठीक है हम अगर ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सुमन तुम्हारा बैकग्राउंड आ रहा है म्यूट कर सकता हूँ। अगर इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक तरीका तो ये है कि मैं इसको सीधे परफेक्ट स्क्वायर बना लूं, x प्लस वन का होल स्क्वायर
उसमें से एक माइनस कर दिया, y माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर कर दिया, ठीक। फिर फाइनली लिख दिया x प्लस वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर, और आठ चार बारह एक तेरह हो गया। अब मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस वन की वैल्यू है रूट थर्टीन, रेडियस रूट थर्टीन कॉस थीटा, या x की वैल्यू लिख सकते हैं माइनस वन प्लस रूट थर्टीन कॉस थीटा, और y की वैल्यू दिख रहा है टू प्लस रूट थर्टीन साइन थीटा, ठीक। दूसरा है कि अगर आपको ये इस तरह याद रखना है माइनस जी प्लस, तो ये भी याद कर सकते हो, बेसिकली कुछ नया नहीं है। तुम्हारे दिमाग में रेडियस की वैल्यू जब बहुत क्वेश्चन लगा लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, अच्छा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है, तो ये जी इसका वन है, ठीक है, जी स्क्वायर फिर माइनस टू का स्क्वायर है, ठीक है, माइनस एट, माइनस माइनस एट तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, आठ चार बारह एक तेरह, ठीक है। तो बेसिकली अगेन पैरामेट्रिक फॉर्म में ऐसे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब जल्दी से पांच सेकंड के अंदर, पांच या दस सेकंड के अंदर इसको कर लो, पैरामेट्रिक फॉर्म में अपनी कॉपी पे लिख लोगे, इसको कमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग उसको मैच कर लेंगे कि क्या तुमने जो बनाया है वो सही है या गलत, अभी मैच लग जाए, ठीक है। कुमार कुमार कौन है मैं समझ नहीं पा रहा हूं, नाम सही लिखोगे, ये कुमार कुमार कौन है, सर कल आया सिस्टम डिस्टर्ब हो गया था उसी लेकर का पूरा हो नहीं गया, हो जाए देखते हैं इसको। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ठीक है, x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू माइनस जी, क्या है g की वैल्यू जो है अगर ध्यान दोगे तो माइनस थ्री है, थ्री थ्री प्लस रेडियस क्या है अंडर रूट में, थ्री स्क्वायर नाइन, नौ चार तेरह, तीन सोलह, सोलह का अंडर रूट चार है, एक तरह से चार है, ये कॉस थीटा है, ठीक है। वाई की वैल्यू फिर से मैं अगर दिमाग में ही रख करता हूं इसको, ये माइनस टू है, अब प्लस रेडियस मैंने निकाल लिया है फोर साइन थीटा, ठीक है, ये पैरामीटर, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन एक टाइप का बनता है जो कि एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री टाइप का क्वेश्चन है, तो उसमें हम लोग इसको यूज करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। ये आप इसको देखेंगे कैसे, इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री मिला हुआ है, तो क्या करना है इसमें कि x और y को पैरामेट्रिक फॉर्म में निकालो, 3x plus 4y में रखो, और थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री अगर याद होगा कि मिनिमम मैक्स वैल्यू कैसे निकालते थे तो इसको कर दिया जाए, फटाफट दो मिनट या एक मिनट के अंदर कमेंट में लिखोगे, ठीक है, कि क्या इसका आंसर आ रहा, मिनिमम मैक्स वैल्यू 3x plus 4y। पहले तो 3x plus 4y की वैल्यू निकालते हैं,
थोड़ा बहुत मदद कर दें। चलो x और y तो पैरामीटर में लिख देते हैं कम से कम। सर 6 से 16 तक होगा उसका रेंज, मिनिमम 6 होगा मैक्सिमम 16 होगा। चलो देखते हैं, ठीक x की वैल्यू पहले देखते हैं यहाँ पर कि क्या होगी। वन, अच्छा इसका रेडियस निकाल लेते हैं, 1 और 4 5 और 9 हो रहा है तो ये मुझे लग रहा है 3 cos theta होगा। ठीक है, मन में कर रहा हूं, कुछ गलती होगा तो कमेंट करना। ठीक है, ये 2 लग रहा है प्लस 3 sin theta। एक्स और वाई की वैल्यू, अब इसकी मिनिमम मैक्सिमम निकालनी है तो मैं देखते हैं 3 1 प्लस 3 cos theta। ठीक है, साइन थीटा ये 8 और 3 11 हो गया, प्लस 9 cos theta प्लस 12 sin theta। ठीक है, अब किसी को अगर याद नहीं होगा तो मैं थोड़ा सा रिमाइंडर कर देता हूं, हालांकि नहीं याद होगा बहुत बुरी बात होगी कि अगर ये भूल गया होगा तो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा ये ध्यान होगा कि a cos theta प्लस b sin theta की मिनिमम वैल्यू होती है ये माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस और मैक्सिमम होती है ये इंक्लूडेड होता है प्लस बी। ठीक, माइनस 4 आपका ये समझ में आ ही रहा है, ये 13 होता है। ठीक है, यस सर, यस, नहीं 13 नहीं सॉरी 144 81 15। ठीक है, 144 और 81 225 15। ठीक, तो ये तुम्हारा जो है माइनस 15 से लेकर प्लस 15 के बीच में है और इसमें 11 अगर और जोड़ दोगे तो 11 और ऊपर पड़ जाएगा माइनस 4 से 26। शायद गलत बताए थे तुम। ठीक है, माइनस 4 से 26। ठीक है, अरे 10 मिनट में ये मीटिंग। ठीक है, फाइन 26। ठीक है, चलो इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं। अच्छा इमेजिन करो कि अगर इसी को मैक्सिमम वैल्यू अगर तुमको किसी और तरीके से निकालना पड़ता है, जैसे मान लेते हैं इसकी वैल्यू कुछ p मान लेते हैं और इसकी वैल्यू मिनिमम मैक्स है, कोई और तरीका सोचोगे बहुत महंगा तरीका होगा। सोचो x और y को एक दूसरे के टर्म्स में रख के मिनिमम मैक्सिमा निकालना या कुछ और करना, कोई और तरीका इसमें बढ़िया से काम नहीं आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं, ये कठिन क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, एक मिनट में दरवाजा फिर से बंद कराता हूं। इसमें कॉन्सेप्ट का खेल है, बिना पेन पेपर के भी कुछ लोग सवाल एक कर सकते हो। ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, हिंट दे रहा हूं, सरकम सेंटर निकालना है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। कमेंट पे लिखोगे हो गया, कमेंट में आ जाना चाहिए अभी तक। देखें एक कमेंट आया सिर्फ 2.3। देखते हैं क्या है, ऐसा सोचो कि क्या ये अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसी का कुछ रूप लग रहा है, 2 प्लस cos theta 3.2 नहीं उल्टा बोल रहा, 2.3 बस यही तो है सब, सारा खेल इसी से माइनस मार्किंग होता है। ठीक है, 2 प्लस cos theta। अब ये ऐसा सोचो कि कहने का मतलब क्या है कि इसका जो हर एक एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट है कुछ ऐसा है और वाई वाला कुछ ऐसा है। अगर ऐसा सोचो कि ये कोई एक सर्कल है जिसका सेंटर 2.3 है और पहला वाला जो पॉइंट है पाई बाई थ्री एंगल जो लिखा हुआ है, ये सिर्फ ये कहने का मतलब है कि पाई बाई थ्री एंगल
और ये पॉइंट ए है, पाई पर जो है मतलब कुछ यहां पर बी है, 4π/3 मतलब थोड़ा सा और आगे जाने पर ये कोई तीसरा पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट सी है, और ये तीनों एक ही सर्कल के ऊपर है और उसी का सेंटर जो है वही सर्कम सेंटर है, ठीक है। इसको अगर जरा भी गलत ट्रैक पकड़ लिए कि चलो cos पाई बाई थ्री 1/2 है और ये √3/2 है और मैं इसको उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालूं और सॉल्व करके निकालूं, पूरा एकदम गलत ट्रैक पकड़ लोगे, ठीक है। ऑल्दो जो कैलकुलेशन वगैरह ठीक ठाक करते हैं आंसर तो वो भी निकाल देंगे, लेकिन अपनी जिंदगी का 5 मिनट बर्बाद करने के बाद, ठीक है। तो हाँ, इसको कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ये सेंटर इसमें रेडीमेड दिया हुआ है और ये एंगल जो दिया है उसका कोई खास मतलब नहीं है, ठीक। इसका जो है सर्कम सेंटर 2, 3, ठीक ठीक है ना। अच्छा जी, और एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत मेहनत नहीं करना है, ठीक है, साथ इसमें कैलकुलेशन नहीं है तो बहुत ज्यादा नहीं है कुछ कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन होगा तो मैं खुद बता दूंगा। हो जाने पे कमेंट पे लिखोगे, ठीक है, अगर थीटा उटा टाइप नहीं कर पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बोल देना कि हो गया, ठीक है। इसको इसको इंटरैक्टिव रखो जैसे क्लास में चलता है, तभी इसका कुछ बेनिफिट उठा पाओगे, ठीक है। चुपचाप कहीं कोने में बैठे रहोगे, कुछ और विंडो खोल के कुछ भी करोगे, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। क्लास करके नाम का क्लास होगा और कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जब ये ऑफलाइन खुलेगा तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, कोई सर्कल कल दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। ऑफलाइन खुलने वाला है, शायद जल्दी ही खुलेगा जैसे मुझे खबर मिल रही है। देखा जाए तो भाई, अब हमें याद करो पुरानी बातें कि सेंट्रोइड कैसे निकालते थे, बस तीनों को जोड़ के बाई थ्री कर देना। तो सेंट्रोइड में तो कोई खास ट्रिक है नहीं, फिर भी लिख देते हैं, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देना और फिर साइन थीटा 1, साइन थीटा 2, साइन थीटा 3 इनको भी जोड़ के बाई थ्री कर दिया, ठीक। हम सेंटर, इसमें तो कोई जादू है नहीं, देख ही रहा है भाई, ये तो सर्कल ही समझ में आ रहा है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाला है। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये कैसा है, इसका रेडियस कॉस थीटा साइन थीटा है, दोनों का कोएफिशिएंट 1 है, तो रेडियस आपका क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है और सेंटर 0-0 हो जा रहा है, ठीक। बेसिकली कहने का मतलब है, अगर आप कोई थोड़ा और कॉन्सेप्चुअली समझना चाहते हो तो ये ए बी सी कोई पॉइंट कहीं पड़ा होगा 3 पॉइंट, तो कहने का मतलब है कि ये एंगल थीटा 1 है। हालांकि इस क्वेश्चन में इस इंफॉर्मेशन का यूज नहीं है, लेकिन बस समझाने के लिए बता दे रहे हैं कि ये पूरा एंगल थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 है क्या, उसका मतलब क्या है, ठीक। सर्कम सेंटर 0-0 दिख रहा है कि 0-0 ही है, ठीक। अब ऑर्थो सेंटर के लिए बिना मेहनत किए क्या कर सकते हैं, कमेंट पे लिखोगे जल्दी। ऑर्थो सेंटर निकालने में क्या मेहनत है, कैलकुलेशन है कि बहुत मामूली सा कोई ट्रिक है? ऑर्थो सेंटर सबको पता है ना क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन है, ऑनलाइन क्लास है इसलिए बता दिया जा रहा है, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन है। हिंट चाहिए तो बोलो, इंट क्या है भाई, सबका नाम याद करते हैं, सेंट्रोइड को हम लोग प्यार से जी बोलते थे, ऑर्थो सेंटर को सॉरी सर्कम सेंटर को हम लोग ओ बोलते थे, इसको एच बोलते थे, एच और ओ को जी किस रेशियो में डिवाइड करता है,
2:1 यही खेल है। ऐसे क्वेश्चन जेई मेन में भी पिछले साल से पहले बहुत आता था, पता नहीं कोई इस बार नहीं दिखाया। तो देते क्या थे, ऑर्थो सेंटर या सर्कम सेंटर में से कोई एक दे देते हैं क्वेश्चन में और बोलते हैं कि दूसरा निकालो। तो लोग क्या करते हैं, उसको पूरा बेसिक से निकालने लगते हैं कि सारा एल्टीट्यूड बाइसेक्टर, बट उसमें यही ट्रिक होता है H2O वाला, ठीक है। क्योंकि जो मेहनत होती है, ज्यादा मेहनत ऑर्थो सेंटर या सर्कम सेंटर में ही होता है कैलकुलेशन। तो इसको सीधे सीधे पता है कि H और ये G, तो हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, मानना है, मान लेते हैं कुछ X1 Y1 इसको मान लिया जाए, ठीक। तो हमारा क्या होगा, X1 प्लस 2 इंटू सेंटर इसका जो है O, तो 0 0 दिख रहा है, डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू बाई 3, ठीक। और Y1 प्लस 2 इंटू 0 बाई 1 प्लस 2 3, ठीक है, साइन थीटा। बाकी तुमको समझ ही गए हो क्या आने वाला आंसर, ठीक है। ये जो है ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा, ये 3 3 कैंसिल हो जा रहा है और ये X1 की वैल्यू आ जा रही है cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 कॉमा, ठीक है। अभी तक अभी भी मैं मेहनत नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। मैं सिंपली कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये तो थ्योरी ही है, ठीक है। ठीक है, गलती इसको ठीक है, बस 1 मिनट रुक जाते हैं, लोग रिज्वाइन कर रहे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, ये एक फॉर्मूला है, मैं चाहूंगा कि इसको याद कर लो, ठीक है। और जो लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि मुझे 99 परसेंटाइल लाने के, अगर बहुत ज्यादा खास डिजायर ना हो तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्लियरली बता दिया जा रहा है किससे बहुत क्वेश्चंस आएंगे नहीं है। इस कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ऑल्दो आते हैं, लेकिन ऐसा तो याद हो जाए तो ठीक, नहीं याद आए तो कुछ खास बिगड़ने वाला नहीं है, ठीक है। फाउंडेशन के लोग याद रखेंगे इसको। क्या है भाई, जैसे मान लो कि पैरामेट्रिक में अगर कोई बोले कि 2 पॉइंट है अल्फा बीटा, मतलब आपको अगर कोई बोल रहा है कि ये पॉइंट बी है, इसको अल्फा के नाम से जानते हैं और इसको बीटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आपको जो पॉइंट है वो दे दिया गया है, ए कॉस अल्फा, ए साइन अल्फा, रेडियस अगर ए है तो, और ये भी आपको दे दिया गया है ए कॉस बीटा, ए साइन बीटा, ठीक है। कैसे ये फॉर्मूला आता है, बहुत कुछ बड़ी बात नहीं है, आप सीधे ये तरीका लगाओगे, y माइनस x साइन अल्फा इज इक्वल टू a साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, वही स्लोप 2 पॉइंट दिया है तो स्लोप निकाल लिया, ठीक है। ठीक है, इसमें वो फॉर्मूला लगा दोगे 2 sin अल्फा माइनस बीटा बाई 2 cos अल्फा प्लस बीटा और कट कर दोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा।
ऐसा क्यों दिया हुआ है कि थोड़ा सा याद करने में आसानी होगी। याद करने का सिंपल ट्रिक बता रहे हैं, ज्यादातर फॉर्मूले में एक्स के साथ कॉस आएगा, वाई के साथ साइन आएगा, ठीक। लेफ्ट में सब प्लस में रखोगे, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और राइट में माइनस, ठीक है। ये फॉर्मूला एक बार याद कर लो, सेम इस फॉर्मूला जो है आपको एलिप्स में भी मिलेगा और हाइपरबोला मिलेगा, बस प्लस माइनस चेंज होगा। उसका एक तरीका है, वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नोट्स में लिख लेना, एग्जाम में अगर भूल भी गए तो बेसिक तरीके से कर लेना, अल्फा दिया है पॉइंट निकाल के बेसिक तरीके से कर लेना, ठीक है। तो अगर ये भूल गया तो कुछ बहुत कुछ तुम्हारा खास बिगड़ेगा नहीं, ठीक है। फिलहाल मैं मान के चल रहा हूं कि आपने याद कर लिया है, और इस पे हम लोग थोड़े समय बाद कुछ क्वेश्चन दे रखेंगे, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि अगर आपको अल्फा मान लो दे दिया गया पाई बाई थ्री है, बीटा दे दिया पाई, मतलब एक पॉइंट जो है यहाँ पे दे दिया गया पाई बाई थ्री पर, ये वाला पॉइंट, और एक यहाँ पे दे दिया गया, और आपसे इस कॉर्ड का इक्वेशन पूछा जा रहा है, ठीक है, या स्ट्रेट लाइन, तो आप या तो फॉर्मूला सीधे सीधे निकाल सकते हो, फॉर्मूला के लिए तरीका जायज है, ठीक है, लेकिन बस याद रखो, ठीक है, इसको बहुत क्वेश्चन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। कमेंट देख लो, कहीं कोई समस्या हो तो आप बताइएगा, ठीक है। अब जो है आप पूरी तरह से तैयार हो डीपीपी वर्क करने में, कुछ आखिरी में कुछ क्वेश्चन पैरामेट्रिक पर दिख रहे होंगे, अब वो भी कर सकते हो, ठीक है। डीपीपी वन नहीं हो पाता है तो आपके पास दो रास्ते हैं, कुछ इसका सॉल्यूशन भी भेज दूंगा, मतलब यह शायद अपलोडेड होगा भी, नहीं तो कोचिंग के दरवाजे खुले हैं, आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। बढ़े आप आगे। अब देखो, अब हम लोग धीरे धीरे सर्कल और लाइन को मिलाएंगे, स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं और सर्कल पढ़े हैं, तो अब दोनों जब मिल आपस में जब मिल जाएंगे तो कुछ मजा आएगा। तो मतलब इनडायरेक्टली टेंजेंट, कॉर्ड, नॉर्मल, अब इन सब की बातें होंगी। जैसे मान लो टेंजेंट की अगर बात करते हैं, अब मैं बोलूं कि यार एक सर्कल है और ये पॉइंट है, कहीं बाहर मान लेते हैं पॉइंट है, तो बाहर पॉइंट है तो आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे उसी पॉइंट से, लेकिन पॉइंट अगर अंदर है सर्कल के तो फिर कहां से टेंजेंट ड्रॉ करोगे? तो टेंजेंट बनेगा कि कॉर्ड बनेगा कि क्या बनेगा, तो सबसे पहले मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि पॉइंट है कहाँ पे, क्या वो सर्कल के ऊपर है, सर्कल के अंदर है, सर्कल के बाहर है। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि सर्कल का इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड को मान लेते हैं एस है, एक नाम दे देते हैं कैपिटल एस, और पॉइंट एक्स वन वाई वन है, तो अगर मैं एस में एक्स वन वाई वन रख दूंगा, ठीक है, तो कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। अब जरूरी तो है नहीं कि सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो वो जो पॉइंट है सर्कल के ऊपर ही है, सर्कल का हिस्सा है वो, तो अगर वो इक्वल टू जीरो है तो सर्कल के सर्कल पे ही है पॉइंट, और अगर वो प्लस में है, पॉजिटिव है, तो बाहर है, आउटसाइड है, और उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो सर्कल के अंदर है, ठीक। हम लोग थोड़ी देर में टेस्ट करेंगे इसको लेकर, ठीक। प्लस है तो बाहर है, ठीक। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे रैंडम सा कोई सर्कल का इक्वेशन देता हूं, ठीक, और मैं पॉइंट उठाया, मैं बोला 1, 2, ये सर्कल के ऊपर है कि अंदर है कि बाहर है, ठीक है। कमेंट पे लिखोगे, इन के लिए आई लिखोगे, बाहर के लिए आउट लिखोगे, ठीक है,
और अगर सर्कल के ऊपर ही है तो इक्वल लिखोगे ई, ठीक है, आई ओ, ठीक है, ये इनसाइड है कमेंट में लिखोगे आई ओ यू, जरा बताओ ये पॉइंट क्या है, ठीक है, और ये इक्वल मतलब सर्कल के ऊपर है। बहुत जल्दी एक सेकंड के अंदर एग्जैक्ट वैल्यू लाने से कोई मतलब नहीं है, बस प्लस माइनस से मतलब होना चाहिए। दस सेकंड के अंदर आउटसाइड है सर, पक्का? नहीं नहीं एक सेकंड, नेगेटिव आ रहा है, इनसाइड है, इनसाइड है, ठीक है। तो अब जैसे क्या होता है, अगर मैं कभी बोलूं कि यार इस पॉइंट से इस पे टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हो, तो बोलोगे कहां से निकालेंगे, पॉइंट तो सर्कल के अंदर है, कोई टेंजेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जैसे क्या है, जब और दूसरी चीज है, खासकर शुरुआत में जब जब तक ये सर्कल समझ में नहीं पूरी तरह से आ जाता है, तो आप क्या करते होगे, कुछ बनाते होगे, लाइन है, एक सर्कल का अंदाजा ले लेते होगे, अच्छा इसका सेंटर यहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा, इसका रेडियस इतना बड़ा होगा, ये पॉइंट। कई बार क्या होता है ना कि वो पॉइंट का अंदाजा नहीं लग पाता है कि सर्कल के अंदर है कि बाहर है, लग रहा है कि उसी के आसपास है, तो आप ये चीज चेक करके अंदाजा लगा लोगे कि वो पॉइंट सर्कल के अंदर है कि बाहर है, ठीक है, तो फिर हम लोग उसके बाद सोचेंगे क्या करना है, ठीक है। तो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी डी फटाफट कमेंट लिखोगे और सब कोई लिखोगे, ठीक है, सब कोई लिखोगे ए बी सी डी में, चाहोगे तो मन में कर सकते हो, मेंटली कर सकते हो बात। ऑप्शन डी होगा सर, ऑप्शन डी है। अच्छा और लोग बताओ भाई, एफ का डी आ रहा है, पत्थर का डी आ रहा है, कुमार 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 कौन है भाई, कौन है कुमार कुमार भाई, पता तो होना चाहिए कौन है भाई। फिर मैं इसको हटा दूंगा, रिमूव कर दूंगा मैं कुमार कुमार जो भी है। कौन था भाई कुमार कुमार, बाहर में तो कोई के बाहर का कोई आदमी है क्या, तुम्हें शेयर और करते हो क्या ये सब आईडी वाइडी किसी के साथ, नो सर। कौन है भाई, अरे भाई ये तो बड़ा अजीब रहा, तो तुरंत भाग गया, तुरंत पूछने पर कौन है। चलो भाई एनीवे पॉइंट वन टू मन में ही करने वाला हूं मैं, ठीक है। ये एक हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, पांच में चार एक एक हो गया, और वो बारह मतलब प्लस में ही है ये तो, ठीक, ये तो दिख रहा है एक चार सोलह
अच्छा खासा बड़ा नंबर है, ये भी प्लस टू है। कैसे चेक कर ले क्या? डी तुम बता रहे हो 1.2, 1.45 हो गया। ठीक है, ये तो प्लस में ही आ रहा है। और दूसरा वाला जो है 1.45, 4.9, नहीं ये माइनस में आ रहा दूसरा। ठीक है, देख लेते हैं, ये एक हो गया, ये चार हो गया, ये चार है, 12 और 3 ये 15 है, 4 तो माइनस में आ रहा। ठीक है, तो ये माइनस में आ गया, ये प्लस में आ गया। एस वन के बाहर है, तो पहला वाला आउटसाइड है और इनसाइड है, तो ऑप्शन डी ही सही है। ठीक है, ये बहुत खास क्वेश्चन नहीं है। और ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो थोड़ा सा समझदारी वाला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें गर्व से ज्यादा जो है लेंथी अगर हो रहा है तो कुछ गलत है। ठीक है, एक मिनट सोचो, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, हिंट दे रहा हूं, सर्कल जो डायमीटर फॉर्म में जो बनाते हैं, कुछ उसकी याद आ रही है? या सर प्रूफ देख के वो जो लिखा है उससे तो यही याद आ रहा है। अब उसी को कुछ जोड़ने की कोशिश करोगे, कुछ उसी तरह का कुछ दिमाग लगाओ। चलो अब हम कुछ हिंट दे रहे हैं, मान लेते हैं कि ये 2 पॉइंट इसके डायमीटर, एक कर देता हूं x1 y1 और डायमीटर का दूसरा कोना x2 y2। और ये पॉइंट x3 y3 मान लो अगर इस सर्कल के ऊपर ही रहता तो ये क्या लेस देन जीरो होता कि ग्रेटर देन जीरो होता कि इक्वल टू जीरो होता? इक्वल टू। ये पॉइंट अगर ये अंदर होता तो लेस देन जीरो होता। अच्छा, अगर ये पॉइंट ऊपर है सर्कल के तो क्या एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। हाँ, ये पॉइंट अगर सर्कल के बाहर हो तो क्या लगता है, 90 से कम 90 से ज्यादा? कम। और अंदर है तो ज्यादा? ज्यादा। यही लॉजिक है इसमें, देखो कुछ कुछ कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं है, पूरा खेल यही है कि अगर वो 90 से ज्यादा है, ऑब्ट्यूस है, तो ये जो है आपका सर्कल के अंदर है। ठीक है, हालांकि एक और लॉजिक लगा सकते हो, जब स्लोप हम लोग निकालते हैं, दो स्लोप m1 और m2, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे डिनोमिनेटर में जैसे होता है ना, वो जो टैन थीटा की वैल्यू m1 m2 नीचे 1 प्लस ये रहता है, ऊपर m1 माइनस m2 होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लेस देन जीरो आती है टेन थीटा की वैल्यू, तो ऑब्ट्यूस होता है। वो भी लॉजिक लगा सकते हो, ये इसका स्लोप m1 निकाल दिया, इसका m2 निकाल दिया। ठीक है, तो उससे भी हो जाएगा। मैं ज्यादा अच्छा तरीका बताया हूँ कि इसको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, यही लॉजिक था। ठीक है, क्वेश्चन था कि नहीं?
अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ और एक दो सवाल रखेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा हल्का सा ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन एक दो करेंगे। सारी कहानी याद रखनी पड़ेगी अभी तक जो भी पढ़ चुके हैं। ये पॉइंट सर्कल के अंदर है और किसी भी एक्सिस को टच या कट नहीं करना। सारी कंडीशन सोचोगे और पी का वैल्यू निकालोगे इसका, ठीक है। आराम से दो मिनट लो, कोई जल्दी नहीं है, जल्दी भी हो सकता है अगर फास्ट करो कैलकुलेशन। ओके, पहले कमेंट करते जा ऑप्शन सी होगा क्या? ऑप्शन सी देखते हैं। अरे चुप हो, नहीं ये गलत है सर। हाँ गलत है सी, गलत बोलो या आधा सही है। तुमने क्या किया, सिर्फ इंटीरियर पॉइंट चेक किया है मुझे ऐसा लग रहा है। इसमें तीन कहानी है, तीनों सही होनी चाहिए। पहला कहानी की एक इंटीरियर पॉइंट है, कहानी नंबर वन, नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट्स एक्सेस, कहानी नंबर टू। याद आ रहा है, अगर दोनों में से किसी को भी टच नहीं करता है तो इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, क्या होगा? वो जो एफ स्क्वायर माइनस सी लिखा रहता है ना, और जी स्क्वायर माइनस सी लिखा रहता है, याद आ रहा है, जो अंडर रूट के अंदर होता है। चलो देखते हैं। चलो भाई, पहली कहानी बहुत सिंपल है, इंटीरियर पॉइंट है तो सेटिस्फाई करेगा उसको, सेटिस्फाई नहीं करेगा आई मीन लेस देन जीरो आएगा। दो रखा, फोर स्क्वायर माइनस टू इंटू टू प्लस फोर इंटू एट, नहीं फोर नहीं है, एट था, सॉरी गलत, ठीक, लेस देन जीरो होगा। ये चार हो गया, ये चौसठ हो गया, लिख ही देता हूं। ठीक है, तो खत्म ही है, और ये 96 है, पी 96 से बड़ा है, ठीक है। कहने को तो ये बात आधी सही है, लेकिन एक और कंडीशन दी होगा, नाइदर टचेस, याद होगा कि जो एक्स इंटरसेप्ट होता है, अब जो पिछली क्लास नहीं किए तो उनके लिए बता देते हैं, उसकी वैल्यू कुछ ऐसी होती है, और इंटरसेप्ट हो ही नहीं, इंटरसेप्ट नहीं है तो मतलब जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो होगा इसकी वैल्यू, ठीक है, ताकि वो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो जाए, इमेजिनरी हो जाए, ठीक है। इसका जी दिख रहा है, इसका जी आपको एक तरह से माइनस वन है, और एफ जो है टू है। अच्छा, जी आपका माइनस वन है, माइनस वन का स्क्वायर और माइनस सी की वैल्यू एक तरह से माइनस पी है, प्लस माइनस बहुत केयरफुली करना पड़ेगा इसको, वन प्लस पी लेस देन जीरो, पी लेस देन माइनस वन। खैर ये दो दो कंडीशन में ही खेल खत्म हो जा रहा है,
96 से बड़ा भी हो और माइनस वन से छोटा कहां से होगा, ठीक है। हालांकि आइडियली एक और कंडीशन लगाओगे एफ स्क्वायर माइनस सी, क्योंकि ये किसी भी एक्सिस को टच या कट नहीं कर रहा है, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली क्या है, ये हो ही नहीं सकता इन दोनों का इंटरसेक्शन, माइनस वन से छोटा हो 96 से बड़ा हो, भाई ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है। None of these जैसा आंसर है इसका, कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब मैं कोई मदद नहीं कर रहा हूं, एग्जैक्टली आंसर इसका निकालना है, और इस बार एक ही मिनट देंगे, एक या दो मिनट मैक्सिमम। सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ आया आंसर? तीन कंडीशन लगेंगी इसमें, एस वन आपका लेस देन जीरो होगा, एफ स्क्वायर माइनस सी भी लेस देन जीरो होगा, और जी स्क्वायर माइनस सी भी लेस देन जीरो होगा। 36 से 47 ऐसा सुन के लग रहा है कि हो सकता है सही हो, या सर 36 से 47। चलो कर देते हैं फटाफट, सब तेज करते हैं। पहली बात है कि ये अंदर हो, 25 को रख देते हैं, ये 4 है और ये 25 हो जाएगा, और ये 16 और ये 60 और ये 3, ये देख लेते हैं कितना, ये 47। इससे 16 माइनस किया तो 13 हो गया, और 13 को माइनस किया 60 से तो p लेस देन 47 आ रहा है। अच्छा, एफ स्क्वायर माइनस सी, इसका एफ जो है वो 46, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस सी प्लस ही है ना, प्लस है, लेस देन 0, तो p 36 से ज्यादा है। अच्छा, इसको भी देखना पड़ेगा, जी जो है ये आपका जो है 4 का स्क्वायर, ठीक, P जो है 16 से ज्यादा। ये तीनों कंडीशन एक साथ होनी चाहिए, सही, 16 भी है मार्केट में, 36 भी है, 47 भी है। पहली कहानी कहती है कि 47 से कम होना चाहिए, दूसरा कहता है कि 36 से ज्यादा होना चाहिए, तीसरा कहता है 16 से ज्यादा। तीनों को खुश तभी कर पाएंगे जब हमारा ऐसा होगा। 36 से 47 परफेक्ट आंसर है। अच्छा, इंटरवल कैसे लिखेंगे, एकदम ध्यान से रखना, 36 से 47 ये वाला इंटरवल है, ठीक है। अच्छा, इसी में कई बार इंटरवल चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि फाइंड द रेंज ऑफ पी फॉर विच इज नेगेटिव, कहने की जगह लिख दो कि इज विद इन, ठीक, अ सर्कल, ठीक है, या और क्लियरली कर दे
इस सर्कल के ऊपर भी हो सकता है, इज ऑन द सर्कल और इनसाइड द सर्कल, इस तरह का लिख दो। ठीक, तो उसमें क्या करोगे, यहां पर ऐसे कुछ करोगे, लेस देन क्लोज इंटरवल 47। हाँ, तो अब तुमको ये सब बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर ये लिखा है सर्कल नीदर टचेस की जगह अगर लिख देता है कि डज नॉट इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका मतलब टच कर सकता है, इंटरसेक्ट भले ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे भी इक्वल क्वेश्चन का लैंग्वेज। ठीक है, इसका मतलब इंटरसेक्ट जीरो हो सकता है, बट फिलहाल 36 से 47 ओपन इंटरवल। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्चुअली एक बहुत आसान सा बात करने वाले हैं कि कोई पॉइंट अगर सर्कल के बाहर दिया हुआ है, जैसे ये ए दे दिया और एक सर्कल दिया हुआ है, तो मैं बोलूं कि उस पॉइंट का सर्कल से लीस्ट डिस्टेंस और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो देख के समझ में आ जाएगा कि सर्कल में कुछ ना कुछ रेडियस तो निकाल चुके हो। ये पॉइंट का जो इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट होगा उससे दूरी आप देख सकते हो, ये दूरी सबसे कम तब जब होगा जब ए और सी को मिलाने वाली लाइन जो होगी उसी पर होगा, और वो तब होगा जब ये पी क्यू जो है आपका डायमीटर हो जाए। ठीक है, बहुत बेसिक सा बात है, ये सब छोटे पे ही पढ़ लिए होंगे, बचपन में ही पढ़ चुके होंगे। तो हम लोग करेंगे क्या कि पॉइंट तो दिया हुआ है, रेडियस आपको पता ही है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो एसी है, सेंटर आपको निकाल लोगे, पॉइंट दिया हुआ है, तो एसी जो लेंथ है उसमें से अगर रेडियस माइनस किया तो ये वाली जो दूरी है, इसको फिर से इरेज कर देता हूं। अच्छा, 10 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, तो मैं सोचा है इस बार 10 मिनट ही रखेंगे, 2 ही रखेंगे आज के लिए। ठीक है, ये एसी में से आर अगर माइनस कर दोगे तो ये सबसे कम दूरी है, और एसी में आर अगर जोड़ दोगे तो ये सबसे ज्यादा वाली दूरी है, ये सबसे ज्यादा वाली दूरी है और सबसे कम वाली दूरी है। 10 सेकंड अंदर एक प्रश्न, ठीक है, चाहोगे तो मन में भी कर सकते हो। पांच और 15 आएगा। ठीक है, सीधा सा दिख रहा है। तो हमने क्या किया है कि इसका सेंटर देख लिया 0-0 है, सेंटर से इस पॉइंट का दूरी देख लिया 6 और 8 है। अगर इस पॉइंट का नाम ए दे दें तो ये पॉइंट जो है 10 हो जा रहा है। अब भाई एक सर्कल है, पॉइंट है, सबसे कम दूरी ये होगी जब रेडियस माइनस कर देंगे, रेडियस दिख ही रहा है 5 स्क्वायर है, ये रेडियस होना चाहिए, तो मिनिमम जो दूरी होगी वो 10 में से 5 माइनस कर देंगे और मैक्सिमम जो होगी वो 10 में से 5 जोड़ देंगे, 15 है। ठीक है, और 10 और 5 के बीच में कोई भी अगर नंबर है इसका मतलब वो पॉइंट इधर कहीं है, इधर 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 कहीं है, पी और क्यू तो नहीं है। अच्छा, एक चीज और है जो हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे, आपके लिए ये टॉपिक उठाया है, तो कई बार ऐसा भी एक क्वेश्चन कभी कभी देखोगे कि जैसे बोले कहा जाएगा कि ए से तुमको क्यू जाना है और मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो अगर तुम ऐसे जाओ ए से पी जाओ और पी से सर्कल के ऊपर चल के जाओ, सॉरी उसमें एक बात और लिखी रही कि सर्कल के अंदर नहीं जा सकते हो, सर्कल के अंदर कुछ बिजली का करंट लग जाएगा या इस तरह का कुछ कहानी लिखते रहते हैं कई बार, तो आपको क्या करना है ए से पी, पी से क्यू जाना है और सर्कल के ऊपर जाना है, तो सबसे मिनिमम डिस्टेंस तब होता है, उस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, टेंजेंट ड्रॉ करोगे ए से लेकर यहां तक,
टेंजेंट जैसा जाओगे और फिर सर्कल का रास्ता चूज करोगे, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा ऑफ टॉपिक गया है क्योंकि मैंने इस तरह क्वेश्चन देखा हुआ है कई बार आते हुए, ठीक है। ठीक है, 5-15 बिल्कुल सही है। तो अब हम क्या करेंगे, एक टॉपिक लेते हैं, एक छोटा सा एक क्वेश्चन रखते हैं, देख रहे हैं यही क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को जरा जल्दी से करो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बाद। लास्ट क्वेश्चन रखेंगे आज के लिए, ठीक है। सर 12 और 38 आ रहा है। 12 और 38 38 है, सही है, बढ़िया। चलो पहले तो छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं ऐसा कुछ करके, ठीक। अब इसमें देखो मैंने थोड़ा रियलिस्टिक बनाने का ट्राई किया है। बेसिकली क्या है कि ये जो सेंटर वाला है इसका रेडियस 12 है और ये बहुत ही छोटा रेडियस है, 1 है। इसका सेंटर जो है कुछ 15.20 पे है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका ऑब्वियसली ओरिजिन है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम डिस्टेंस बताना है, मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है, दोनों एक दोनों सर्कल पे ही है। तो आप लॉजिकली क्या कर रहा है, दोनों के सेंटर को मिला देना है, ठीक। एक चीज समझ जाओ कि इसी लाइन पे मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस होने वाला, सेंटर और पॉइंट मिला दो चाहे जो भी है, ठीक। इसका रेडियस अगर R1 दे दूं और इसका रेडियस R2 दे दूं तो सबसे कम दूरी कौन सी होगी, ये वाली होगी लीस्ट वाला डिस्टेंस। और सबसे ज्यादा दूरी कब होगा, जब पूरा जो है आपको एक कोना से दूसरा कोना जाना पड़ेगा, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूं ताकि समझ में आए। एक तरह से आपको ये जो है यहां से लेके यहां तक जाओगे तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, दोनों सेंटर के का नाम अगर C1 और C2 दे दो तो दोनों सेंटर के बीच में दूरी निकाल सकते हैं। 15-20 किया तो ये आपका 25 आ जाए, 25 है, ठीक। और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या आपको फील आ रही है कि मैक्सिमम डिस्टेंस में क्या होगा, सेंटर के बीच के अलावा एक इसका रेडियस बढ़ जाएगा और इसका R2 भी बढ़ जाएगा। तो इस 25 में पहला वाला रेडियस जो है वो 12 और दूसरे का 1 जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा। और मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा कि इसी सेंटर की दूरी में एक रेडियस कम इसका कर देंगे। अब सोचो सेंटर ये वाला रेडियस कम कर दिया और ये रेडियस कम कर दिया, ठीक है। विजुअली अगर पकड़ पा रहे हो तो पकड़ लोगे तुम, ठीक है। 12 मिनिमम और 38 मैक्सिमम, ठीक। DPP1 अच्छे से कर लेना, ठीक है। अगली क्लास में टेंजेंट पकड़ेंगे हम लोग, ठीक है। टेंजेंट से ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं तो अगला क्लास इंपॉर्टेंट रहेगा एक तरह से। और अगला क्लास कब होगा, कल ही होगा 2 बजे, सेम टाइम रखेंगे, ठीक है, जूम पे ही रखेंगे, ठीक है। और बाय द वे तुम लोग पता लगाओ ये कुमार कौन था, ठीक है, ठीक है, कौन था जो भाग गया पूछने पर। एनीवे आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। मन से पढ़ते रहो और कोई भी तुम लोग को सपोर्ट की जरूरत होगी तो ऑफिस में भी आके मिल सकते हो, फोन पे बात कर सकते हो, ठीक है। बस खुश रहना और पढ़ते रहना, ठीक है। चलो ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके सर, थैंक यू सर।